सुमन नगर प्रकरण। हरिद्वार के सुमन नगर में पुलिस चौकी की जमीन कब्जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जनकल्याण सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी अशोक कुमार डीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था से मुलाकात कर मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की है। जनकल्याण सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने डीजी अशोक कुमार से मुलाकात कर बताया कि सुमन नगर पुलिस चौकी की जमीन मामले में जांच 2015 से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भू माफिया लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस के कुछ आला अधिकारी जमीन माफियों के साथ मिलकर मिलीभगत कर उनका सहयोग कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले को गंभीरता से लिए जाना चाहिए और किसी आला अधिकारी के सुपरविजन में मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि सुमन नगर में साल 2015 में कुछ भू माफिया पुलिस चौकी की जमीन को कब्जाने में लगे थे। नगर में 2015 में भू माफिया द्वारा जमीन कब्जानी चाहिए थी पुलिस चौकी की, तो उस समय ग्रामवासियों ने के सहयोग से समाज ट्रस्ट के सहयोग से बनवाई गई थी। उसके बाद पुनः 2019 में अब ये आधी चौकी कब्जाने के फर्जी कागज लेके आए थे कब्जाने के लिए। इसमें आवंटन इनका बाद में है और रजिस्ट्री इन्होंने साठ काट कर पहले करा ली फर्जी तरीके से। पुनः पहले तो हम SSP साहब से ही मिले थे, लेकिन SSP साहब इसमें टालने के मामले में जब हमें नज़र आते गए तो हम फिर आप DG साहब के पास लेके आए हैं दरकार। DG साहब ने इनमें सभी बिंदुओं पर जांच कर कड़ी निर्देश करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही है, हमें आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, इन्हीं भू माफियों ने 250 से अधिक अनुसूचित जाति के जमीनी पट्टों को गलत तरीके से बिना शासन की अनुमति के सामान्य लोगों को बेचकर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी, जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी जांच साल 2015 से ही लगातार चल रही है। लेकिन इस मामले में अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सुमन नगर का मामला सुर्खियों में आने के बाद और ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की शिकायत पर अब इस मामले में पुलिस के अधिकारी भी संज्ञान ले रहे हैं। उसमें जो भी हो जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश। कैमरामैन शिवमणि के साथ उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।